सो गाइज़, फ़िलहाल जो है मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हूँ और यहाँ पर जो है मैंने एडोबी आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लिया है। तो आज का जो ट्यूटोरियल है वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आज जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट का जो बेसिक पहला जो पार्ट है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसमें जो है हम क्या क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट के कुछ ऑप्शंस जो हमारे मतलब किस किस काम में आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है आपको फाइल का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो सबसे पहला जो ऑप्शन है न्यू, न्यू में यहाँ पर आपको जो है न्यू प्रोजेक्ट मिल जाएगा, न्यू टीम प्रोजेक्ट मिल जाएगा, न्यू फोल्डर अबाउट, तो ये सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहां से जो है न्यू प्रोजेक्ट अगर क्रिएट करना चाहते हैं न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ओपन प्रोजेक्ट आपने अगर किसी कोई प्रोजेक्ट ऑलरेडी बनाया है तो वहां से जो यहां क्लिक करके जो आप अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं। ओपन टीम प्रोजेक्ट बेटा इसको भी कर सकते हैं। ओपन रिसेंट में जैसे कि आप यहाँ पर अगर आएंगे तो रिसेंट टाइम में आपने जो जो भी प्रोजेक्ट आपने जिस प्रोजेक्ट पे वर्क किया है तो वो सारा जो है आपको नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से भी सिंपली क्लिक करके आप उस प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी का ऑप्शन उतने जो है ये नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, क्लोज है, क्लोज प्रोजेक्ट है, सेव एज है, सेव कर सकते हैं आपने किसी भी प्रोजेक्ट को जो है सेव एज कर सकते हैं, सेव अ कॉपी, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ से इंपोर्ट है, इंपोर्ट यहाँ से आप जो है अपने फाइल वगैरह जो है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल है तो यहाँ सारे जो है इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट रिसेंट फुटेज है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट तो एक्सपोर्ट एडोबी प्रीमियर प्रो में है जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी सारा ऑप्शन जो है वो हाईलाइट नहीं आ रहा है। उसके बाद में ऐड फंड, तो यहाँ जो है यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन है, मगर जो मेन जो ऑप्शन आपको यहाँ न्यू है ये सारे जो है ऑप्शन आपको हेल्पफुल है, बाकी उतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से एग्जिट का भी ऑप्शन मिलेगा, तो पहला जो ऑप्शन में ये है यहाँ से। उसके बाद में दूसरे का जो दूसरा जो ऑप्शन है वो है एडिट का, तो यहाँ अगर क्लिक करेंगे तो फिलहाल अपने पास जो है कुछ खास नहीं है, मतलब हमने कोई प्रोजेक्ट अभी बनाया नहीं है तो एडिट में ज़्यादा हाईलाइट नहीं आ रहा है, मगर डुप्लीकेट ये सारे जो ऑप्शन है इसका उतना ज़्यादा उपयोग नहीं है। सो अगर यहाँ पर भी इस डैशबोर्ड में आप यहाँ देखेंगे तो प्रोजेक्ट है और इफेक्ट कंट्रोल है, तो फिलहाल हमारे पास कोई प्रोजेक्ट हमने अभी क्रिएट नहीं किया है तो अभी कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो काम होता है एडोबी आफ्टर इफेक्ट में, तो हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, वर्क करते हैं या कोई वीडियो हम एडिट करते हैं करना चाहते हैं, तो सबसे पहले होता है कि हमारा जो वीडियो फुटेज होता है या कोई भी फाइल होता है उसको इंपोर्ट करने का। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट के ऑप्शन में आके यहाँ जो है सिंपल आप यहाँ फाइल पे जाके यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से फाइल पे भी आ सकते हैं और यहाँ से अपना जो भी फुटेज है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं फोल्डर सिलेक्ट करके, या फिर इस जगह में आप डबल क्लिक करके भी यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं कुछ वीडियो फुटेज जो है अपना इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मेरा कोई भी वीडियो प्रोजेक्ट अगर मेरे को इंपोर्ट करना है तो सिंपल यहाँ से जो है मैं उस फाइल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर मल्टीपल मुझे फाइल लेना है तो यहाँ से जो है मैं सिलेक्ट किस तरह भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल जो है मैं एक वीडियो फाइल जो है सिलेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पर जो है आप डबल क्लिक करके भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हमने जो है अपना वीडियो इंपोर्ट कर लिया, पहला फाइल है। अब इसको यहाँ से हम जो है दो तरीके से अपना जो है कॉम्पोजिशन बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ आएंगे तो कॉम्पोजिशन में यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ से न्यू कॉम्पोजिशन में क्लिक करके उसके बाद में ये विंडो खुलेगा। तो यहाँ पर जो है आप अपने जो प्रोजेक्ट है जो कॉम्पोजिशन आप कॉम जो बनाएंगे उसको कॉम करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर आप जो है अपना जो विथ है हाइट है ये चीज़ें जो है आप कर सकते हैं। यहाँ से आपको टाइमिंग ड्यूरेशन है कितने मिनट का करना है, तो ये सारा चीज़ जो है आप सेटिंग कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका वीडियो है उसी के मुताबिक ऑटोमेटिक आपका जो है एक कॉम्पोजिशन बन जाए। तो सिंपल आपको करना ये है कि अपने वीडियो फुटेज को यहाँ से लेफ्ट माउस के लेफ्ट क्लिक में क्लिक करके रखना है और इस तरह से ड्रैग करके यहाँ इस वाले ऑप्शन में आपको लेके छोड़ देना है, तो यहाँ पर जो है आपका एक कॉम्पोजिशन बन जाएगा। और ये जो है इसमें आपका जो वीडियो का साइज़ वगैरह है, वीडियो का जो लेंथ है उसके हिसाब से आपका यह बन जाएगा।
ठीक है, यहाँ अगर आप अपने इस कॉम्पोजिशन में कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ कॉम्पोजिशन में जाके, कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाके, यहाँ पर जो है आप इसका टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं या घटाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ से जो है आप इसका जो हाइट वगैरह है या है कुछ भी है तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से किस तरह कौन सा फ्रेम में आपको रखना है, किस तरह का आपका मतलब वीडियो रहेगा उस हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है तो यहाँ पर अगर फिट अप टू 100% करेंगे तो हमारा जो स्क्रीन है ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं, हमारे ये वीडियो फुटेज आ गया है, अब हमको जो है यहाँ पे अपने वीडियो को कट वगैरह करना है या फिर कोई एक्स्ट्रा पार्ट है जिसको कट करना है, तो यहाँ पर जैसे अगर देखें तो यहाँ थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में जो है, स्टार्टिंग से मेरा रनिंग का सीन लेना है तो ये जो पार्ट है मेरे को इसको कट करना है, तो सिंपली इस लेयर को मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से जो है आप एडिट में जाने के बाद यहाँ स्प्लिट लेयर का ऑप्शन आएगा तो यहाँ पर हम स्प्लिट लेयर कर सकते हैं या फिर कंट्रोल शिफ्ट डी जो है हम अपने कीबोर्ड पे प्रेस करके इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट की है, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके एक बार में बगैर यहाँ जाए हुए जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्प्लिट लेयर पे क्लिक कर देता हूँ और CTRL-Z अगर क्लिक करेंगे तो ये बैक हो जाएगा, तो यहाँ से जो है हम CTRL-Shift-D प्रेस करके यहाँ से जो है हम स्प्लिट कर दिए, तो ये शॉर्ट की है। अब हमको जो है ये पार्ट नहीं चाहिए तो इसको हम यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ अपने कीबोर्ड पे डिलीट कर सकते हैं। हमारा टाइमलाइन जो है स्टार्टिंग में ले लेते हैं और इसको यहाँ से होल्ड करके अपने माउस के जो लेफ़्ट की है उसको प्रेस करके होल्ड करके यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। नीचे ये वाला ऑप्शन है हमारा जो टाइमलाइन है उसको स्ट्रेच करने का, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम इसको एडजस्ट करके यहाँ से फुल साइज में स्ट्रेच कर सकते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको पूरा अगर फुल करेंगे तो हर एक फ्रेम का आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अपने ये को सेट कर सकते हैं, वीडियो को सेट कर सकते हैं टाइमलाइन को। अब दोस्तों चलिए आखिर का भी कोई पार्ट है, तो हम अब मान लीजिए कि हम को इस वीडियो फुटेज में कहाँ तक चाहिए, आखिरी का जो कुछ पार्ट है उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ तक करना है तो सेम वही है, हम कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करके यहाँ से आगे का पार्ट जो है उसको भी डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये एक्स्ट्रा पार्ट रह गया है तो इसको हमको यहाँ तक ही फ्रेम रखना है, यानी कि हमारा जो टाइमलाइन है यहीं तक रखना है। तो कीबोर्ड पे हम जो है एन प्रेस करेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम इसको जो है थोड़ा स्ट्रेच कर लेते हैं और देखते हैं कि ये सही है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ तक जो है हमारा टाइमलाइन सेट हो गया है। अब हमको जो है इतने ही वीडियो फुटेज पे वर्क करना है, तो यहाँ पर हो गया है। अब एक्स्ट्रा पार्ट ये रह गया है, हमको जो है इसको भी डिलीट करना है, ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं चाहिए। इस वाले जगह पर राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद में आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, लेफ्ट वर्क एरिया, एक्स्ट्रा वर्क एरिया या फिर ट्रिम। तो हमको जो है ट्रिम कम टू वर्क एरिया पे क्लिक करना है और हमारा जो आगे का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो सब जो है डिलीट हो गया। अब जो है हमारा जो ये कॉम्प है, ठीक है, तो इस पे जो है ये इतना ही आएगा। यहाँ से हम अपने इस कॉम्पोजिशन को अगर रीनेम करना चाहते हैं तो यहाँ कॉम्पोजिशन सेटिंग में जाके यहाँ पर जो है हम इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। सीन वन इस पे हम जो है रीनेम कर दिए, तो हमारा जो पहला जो कॉम्पोजिशन है वो सीन वन है। अब इस पर जो है हमको जो भी वर्क करना है वो हम कर सकते हैं। अब दोस्तों हमको इस प्रोजेक्ट को जो है सेव करना है क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, और जो है हम इस प्रोजेक्ट को सेव करना है, तो फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे हम क्लिक कर सकते हैं या फिर कंट्रोल एस प्रेस करके जो है हम इसको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं सेव पे के ऑप्शन में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है हमको अपना जो पाथ है वो सिलेक्ट कर लेना है कि किस जगह पर हमको इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है।
तो यहाँ से हम जो है चलिए ई फोल्डर में जाते हैं और यहाँ पर जो है हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं और इसका जो है हम नाम रख देते हैं ट्यूटोरियल। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लिए, अब इस प्रोजेक्ट का नाम हम सिलेक्ट कर लेंगे तो इसको भी नाम जो है हम ट्यूटोरियल दे देते हैं। अब यहाँ से जो है हम सेव कर देंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ये सेव हो गया। तो जब भी हम आगे का काम में इसको प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो उसके बाद में हम इसको फिर सेव करते जाएंगे तो ये ऑटो जो है उसी प्रोजेक्ट पे जो है ऑटोमेटिक सेव होता जाएगा। अब दोस्तों कॉम्पोजिशन में जो है आपको और क्या क्या मिलेगा, तो यहाँ न्यू कॉम्पोजिशन यानी कि आप और एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं या फिर इस कॉम्पोजिशन का सेटिंग कर सकते हैं। एक्सपोर्ट कॉम्पोजिटिंग एज टेक्स्ट, ये सारा ऑप्शन उतना काम का नहीं है, मगर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और आएगा एड टू रेंडर क्यू। एड टू रेंडर क्यू वाले ऑप्शन का काम ये है कि आप अपने जो भी वीडियो वीडियो फाइल है, जो फुटेज है, मान लीजिए कि ये मेरा प्रोजेक्ट है और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है और इसको मुझे एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पर जो कॉम्पोजिशन में जाके हम जो है ऐड टू रेंडर क्यू में जाएंगे तो यहाँ पर रेंडर क्यू का ऑप्शन आ जाएगा और ये जो है फाइल आ जाएगा। अब यहाँ पर से दोस्तों हम जो है आउटपुट मॉड्यूल जो है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है हमको फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, तो किस फॉर्मेट में हमको सिलेक्ट करना, मतलब सेव करना है, वो जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है, तो बेस्ट जो है AVI रहता है। आप अगर MP4 पे मतलब अपना जो एक्सपोर्टिंग फॉर्मेट है वो MP4 रखना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से MP4 वीडियो जो फॉर्मेट हो है उस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर जब आप पहली बार इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको क्विक टाइम का ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये सारा चीज़ जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो फिलहाल जो है हम AVI ही रखते हैं। अब यहाँ फॉर्मेट के ऑप्शन में जाके यहाँ पर जो है आप वीडियो कोडेक वगैरह जो है कुछ भी आप यहाँ से रख सकते हैं, मगर इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर AVI में सिलेक्ट करते हैं तो AVI कर सकते हैं। यहाँ से जो है आपको और भी बहुत सारे WAV है, AVI है, ठीक है, MP3 ओपन, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ जो है फिलहाल हम AVI ही सिलेक्ट करते हैं। अब इसको ओके कर देते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में आउटपुट टू का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है किस पाथ में हमको इसको जो है सेव करना है उसको हमको सिलेक्ट करना है। तो हम जो है फिर से ई में जाएंगे और हमारा जो फाइल है ट्यूटोरियल वाला फाइल जो है फोल्डर जो है ट्यूटोरियल वाला फोल्डर जो है इसी में ही हमको सेव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने ट्यूटोरियल का फोल्डर जो है सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से जो है हम यहाँ पर अपने जो एक्सपोर्टिंग फाइल है उसका नेम दे सकते हैं, तो C1, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, इसमें मुझे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। अब इसको मैं सेव कर लिया। अब यहाँ पर रेंडर पे क्लिक कर देंगे तो ये जो वीडियो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारे ट्यूटोरियल के फोल्डर में। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो वीडियो फाइल है वो एक्सपोर्ट हो गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा वीडियो फाइल एक्सपोर्ट हो गया है। यहाँ से मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ और यहाँ पर ई पे जाएंगे और ट्यूटोरियल पे, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो है ये हमारा फाइल जो है एक्सपोर्ट हो गया है। सो गाइस इसी तरह से जो है मैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट का बेसिक ट्यूटोरियल जो है पार्ट वन से लेके ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको जो है हर पार्ट जो है इसका धीरे धीरे जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट का जो भी एडिटिंग प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं जो मैं जानता हूँ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो बस यहीं पर मैं रुकता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रोसेस जो है हम जानेंगे। आप अगर एडोबी आफ्टर इफेक्ट का इस तरह का ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कॉमेंट कीजिए,